मैं थोड़ी अपनी डिंपल तुसी देख रहे हो मेरे नाल डीपीसी पंजाबी। मणिपुर के वापरी घटना के विरोध च अज ईसाई भाईचारे वलों दीनानगर बस स्टैंड के बाहर सड़क जाम करके रोस प्रदर्शन किया गया। 3 घंटे तक दिते धरने के दौरान ईसाई भाईचारे वलों केंद्र सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। घट गिनती कमिश्नर के चेयरमैन मनवर मसीह ने कहा कि मणिपुर के वधी हिंसा चिंताजनक है। 2 औरतों के नाल जिनसी शोषण की घटना सामने आई है। इस घटना ने पूरे देश नू शर्मसार करके रख दिता। उन्हें कहा कि साडे देश दे विच औरतों की पूजा की जाती है, पर मणिपुर के औरतों नाल वापरी उपरोक्त घटना ने देश नू शर्मसार करन दे विच कोई कसर ना छड्डी। उन्हें कहा कि सरकार नू इस मामले दे विच जल्दी तो जल्दी निपटारा करना चाहिए है, क्योंकि देश दे विच सानू सारयां नू सद्भावना दे नाल रहना सिखाया जाता है। उन्होंने मांग की कि मुलजमान नू जल्दी तो जल्दी गिरफ़्तार करके सख्त सजावां दित्तियां जाण, तां जो भविख दे विच अजिही हरकत करन तो पहला कोई 100 बार सोचे। उन्हें कहा कि जेकर केंद्र सरकार दे वल्लों उन्हां दी मंग ना मन्नी गई तां इह धरना भविख दे विच वी जारी रहेगा। 3 घंटे तक चले धरने तो बाद मौके पर DSP राजवीर सिंह ने मसीह भाईचारे दे वल्लों दिता मंग पत्र उच्च अधिकारियों तक पहुँचाउण दा भरोसा दे के सड़क जाम खुलवाउंदिआं धरना समाप्त करवाया। एक बड़ी उखियाई की गल है, बड़े दुख की गल है कि एडा वड्डा रोस प्रदर्शन पूरे पंजाब दे विच हो रहा वा। ये पंजाब का इतिहास गवाह वा। कोई जिला कोई शहर ये मणिपुर के रोस रैली दे विच किसी ने कसर नहीं छड्डी। ईवन हिंदुस्तान दे विच हर स्टेट दे विच चाहे कोई हिंदू आ चाहे कोई सिख आ चाहे कोई क्रिश्चन आ चाहे कोई मुस्लिम आ चाहे कोई बुद्धी आ चाहे कोई जैनी आ सारे ने मिलके हनुमान जी ने साथ दिता वा और साथ दे के और इस आवाज को बुलंद किया वा। मणिपुर च बहुत तशद्दुद होए ने, अज जग जा रहा मणिपुर दे विच जो कुछ भी तशद्दुद चल रहे हैं अज भी उत्थे इहो हाल आ। लखां लोग जिहड़े आ क्रिश्चन अज भी बेघर ने, उन्हां कोल कोई घर नहीं आ। अपनियां जानां बचाउण दे वास्ते लखां लोगों ने अपने घर छड्ड दित्ते आ और 300 चर्च जिहड़ा वा उह साड़ दित्ता गया दा वा और 160 लोग जिहड़े आ उह इह धरती तों चले गए दे आ। ईवन 5000 लोग जिहड़े आ उह दिल्ली दे विच शरणार्थी दे तौर दे उत्ते वास कर रहे आ। सो असीं आ सारा समुच्चा भाईचारा नसीम सोता जी मेरे नाल ने, ईटर चीदा भी नाल ने, आर चौहान भी नाल ने और जिन्हें भी असी सारे पास्टर साहबान ने अमन जी की अगवाई के हेठ अमरीक मसीह की अगवाई के हेठ अज दीनानगर का प्रोटेस्ट जरा चल रहा वा दीपक जी की। और मैं इन्हों का धन्यवाद करना वा कि जिन्होंने अज इस रोस रैली बड़ी शांतमई रोस रैली बदलिया वा। मैं सारे एक गल की अपील करांगा कि किसी नूं आपां कदी भी मंदभागा लफज नहीं बोलना और ना ही किसी नूं गाल कढ़नी आ। जे तुसीं किसी नूं गाल कढ़दे जे जां कोई मंदभागा लफज बोलदे जे ते फिर ये समझ लो कि तुसीं मणिपुर दे लोकां दे उत्ते उहनां दे जख्मां ते लूण छिड़क रहे जे। साडा प्रोटेस्ट आ पीसफुली शांतमई और मोदी जी नूं असीं बेनती करने आ और असीं अमित शाह नूं भी बेनती कर रहे हां कि तुसीं हुण ते अपनियां अखां नूं खोल लो और मणिपुर दे विच विधानसभा भंग करो और राष्ट्रपति राज लागू करो। आ समुच्चा भाईचारा जिहड़ा वा आ चमड़ी दीआं इलैक्शनां बिल्कुल लागे आ और बिल्कुल लागे चल रहा वा। सो मेरी सारयां नूं बेनती आ कि इस तशद्दुद नूं जे रोकिआ ना गिआ ते 24 दीआं इलैक्शनां दे विच तुसीं भी याद रख लिओ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ
मेरी जी डबल इंजन की सरकार आ, ये डबल इंजन की सरकार तुम वेख लो कि हरियाणा के भी और मणिपुर के भी उत्थे भी बीजेपी सरकार जी स्टेट लैवल से और उत्ते जी कांग्रेस उत्ते जी इन्हों की स्टेट लैवल सेंटर के उत्ते मोदी सरकार है और ये जड़े धरने जड़े आ और तशद्दुद जड़े होने तो बाद धरने जड़े लग रहे रोश मुजहरा जड़े हो रहे हैं। गुरदासपुर के राही जरा वा पंजाब सरकार तक पहुंचाया जाएगा तो पंजाब सरकार अगों जी सेंटर गवर्नमेंट तक इन्हों का जरा यह मंग पत्र दिता जाएगा तो इन दिया जो जो भी डिमांड गंभीरता तो कहता लीडर ने बेनती करती जी मान ली आ।